प्रभु का वचन भजन संहिता अध्याय 118 वाक्यांश 24 कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ईश्वर ने बनाया है। अब आपका दिन अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, उसमें कितनी परेशानियां, कितनी कठिनाइयां क्यों नहीं हो, क्या आपको लगता है आपका ईश्वर ये नहीं जानता है? आपका ईश्वर आपके दिल की गहराइयों तक को जानता है। वो जानता है कि आप कितने परेशान हैं, बट इसके बावजूद ईश्वर ने कहा है कि आज का दिन मैंने बनाया है, मेरे हाथ में सब कुछ है, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, सब कुछ। तो सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दो और तुम आनंदित रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी वचन के साथ, इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का नेशनल फैमिली बाइबल क्विज। मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्टेफी स्वामी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे क्विज में, विच इज ऑर्गेनाइज बाय आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, पावर्ड बाय पीटर क्लावर सिस्टर्स एंड FCC कांग्रीगेशन आमला प्रोविंस एंड को पावर्ड बाय SPD कांग्रीगेशन INC प्रोविंस। तो जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, हमारा क्विज बहुत ही मज़ेदार होता जा रहा है। हमारी इतनी टीम्स पार्टिसिपेट कर चुकी है फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, एंड आगे भी और भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू द क्विज। एंड मज़े की बात यह है कि आप सिर्फ क्विज देख नहीं सकते, आप घर पे बैठ के खेल भी सकते हैं। जब यहाँ पर क्विज मास्टर हमारे टीम्स को क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तब आप फैमिली में बैठ के ये क्विज अपने घर पे खेल सकते हैं, जानने के लिए कि किसको कौन सा वर्स कितना याद है। इससे आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, एंड एज अ फैमिली आप मिलकर बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, मैं आज की हमारी टीम्स को यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, जो कि आए हैं डिफरेंट प्लेसेस से। सो हमारी फर्स्ट टीम जो हमारे बीच आ रही है, विच इज सेंट मैथ्यू टीम, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन सार्थक पॉल एंड मिसेस पूजा पॉल, जो कि है एक मदर सन डुओ। So I welcome them. They are from Nandanagar Parish, Indore, Madhya Pradesh. जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका। अब मैं हमारी अगली टीम, टीम मार्क को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, जो कि है इंदौर नंदनगर से, एंड वी वेलकम आर सिस्टर्स ऑन स्टेज, सिस्टर सरिता मिंच एंड सिस्टर अंजलि पूर्ति। गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी आखिरी टीम, टीम लूक को। जी हाँ, आपने सही सुना, आखिरी टीम। टुडे वी हैव ओनली 3 टीम्स कम्पीटिंग इन दिस क्विज। सो आर पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम अलाहाबाद सेंट जोसेफ चर्च शक्तिनगर। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस शिप्रा नयोमिता पीटर्स एंड अनुग्रह एनोश पीटर्स, हु आर अ मदर सन डुओ। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। हमारी तीनों टीमों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू ऑन दिस स्टेज एंड ऑन दिस मंच, एंड मैं यही शुभकामना देती हूँ आप लोगों को कि आज का ये क्विज आपको बहुत मज़ा आए, बहुत एक्साइटिंग रहे आपके लिए, एंड आई एम श्योर जितना भी नर्वसनेस है आप उसको बिल्कुल हटा दीजिए, कॉन्फिडेंट होके सभी आंसर्स दीजिए, एंड गॉड से प्रे करिए कि यू मे गिव मैक्सिमम राइट आंसर्स, एंड मैं भी यही दुआ करूँगी कि आप लोग सब क्वेश्चंस का सही जवाब दें, राइट? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल आर टीम्स। नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट आर क्विज मास्टर ऑन स्टेज, क्विज मास्टर कूल, जिन्हें मैं हमेशा कहती हूँ, ऑन द स्टेज, फादर सेल्विन, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टार्ट द क्विज। तो दोस्तों, मैं फादर सेल्विन आपका पुनः आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में स्वागत करता हूं, और आज हमारे बीच में माँ और बेटे, दो धर्म बहने और माँ और बेटे हैं,
तो दोस्तों आज का जो कंपटीशन है रोचक होने वाला है, इसमें एक्शन होने वाला है, इसमें इमोशंस होने वाले हैं, आंख में से आंसू बह जाएंगे, मुख पर हंसी आ जाएगी। तो दोस्तों चालू करते हैं हमारा पहला राउंड, कंप्लीट द वर्सेस। इस राउंड में आपको बाइबल से कोटेशंस दी जाएगी, उस कोटेशंस को आपको भरना है, फिल करना है। हर टीम को एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर साहब देंगे, और जब वह देंगे तो आपको जब क्वेश्चन पढ़ के सुनाया जाएगा तो सिर्फ 30 सेकंड्स मिलेंगे। कितने सेकंड्स? 30 सेकंड्स। और उस 30 सेकंड्स में आपको करेक्ट आंसर बोलना है, ओके? करेक्ट आंसर आपको बोलना है, और अगर आपने करेक्ट आंसर नहीं बोला तो आपको नो पॉइंट्स, और आपने अगर करेक्ट आंसर बोल दिया तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग और ये पासिंग नहीं होगा। तो आर यू रेडी? तो पहला प्रश्न, सेंट मैथ्यू के कंप्यूटर स्क्रीन पर, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो डैश। आपका समय चालू हो चुका है, 30 सेकेंड्स। नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो डैश, जो आत्मा को भोजन खिला सके, आज आत्मा को परिपूर्ण कर सके। जो आत्मा को परिपूर्ण कर सके, और ये है गलत आंसर। तो कंप्यूटर साहब इनके स्क्रीन पर सही आंसर दिया जाए, जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। संत योहन अध्याय 6 पद संख्या 27। ओके, कोई बात नहीं, अब हम आते हैं दूसरी टीम की ओर। कंप्यूटर साहब आर यू रेडी? यस। तो सेंट मार्क, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सेकेंड क्वेश्चन यह है, जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लुकाओनियाई भाषा में बोल उठे, देवता डैश। आपका समय चालू हो चुका है। ज्यूस। देवता ज्यूस, बोल उठे, और ये है पूरा की पूरा गलत आंसर। तो सही आंसर कंप्यूटर साहब इनकी स्क्रीन पर दिखाया जाए, देवता मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। तो अगला प्रश्न हमारी अगली टीम सेंट लूक के लिए। कंप्यूटर साहब हमारी सेंट लूक की टीम के स्क्रीन पर उनका सवाल दिया जाए, डैश में नबी का आदर नहीं होता। इन हिज ओन कंट्री। इन हिज ओन कंट्री। Prophets are not without honor except in dash. Computer साहब, in its own country, क्या ये सही जवाब है? Yes. अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। Prophets are not without honor except in their own hometown and in their own house. तो ये आधा आधा करेक्ट है, तो इसलिए आधा आधा करेक्ट है तो आपको क्या मिलेगा? आधा मार्क्स मिलेगा। इसके लिए हम आपको देते हैं 5 पॉइंट। सो दोस्तों पहले राउंड का अंत यहीं पर होता है। कैसा लग रहा है? इजी क्वेश्चंस है, टफ कंपटीशन है।
तो इसी के साथ में हम आते हैं सेकेंड राउंड में। और ये सेकेंड राउंड बहुत ही इजी राउंड है, सबसे ज्यादा इजी राउंड अगर कहा जाता है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं वो है सेकेंड राउंड। यहां पर आपके पास में स्विच है, सभी के पास में स्विच है। अगर आपको आंसर आता है तो आप बजर दबा दीजिए और आंसर बता दीजिए, और अगर नहीं आता है तो कृपया करके बजर मत दबाइए, क्योंकि जो है उसको वहीं रहने दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग का सवाल है। आपने अगर बजर दबा दिया तो आपको आंसर देना है, करेक्ट। तो पहला जो प्रश्न है वो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सिर्फ 20 अंक के लिए, सिर्फ 20 अंक के लिए। ओके, आपको 20 मार्क्स मिलेंगे पहले प्रश्न पे। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो आपको एक फोटो दिखाई जाएगी, उस फोटो को देखकर आपको बताना है कि कौन सा दृष्टांत है। और उसके बाद में आपसे एक और प्रश्न किया जाएगा। अगर आपने बजर दबाया है तो आप अगर सही जवाब दे रहे हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर गलत जवाब दे रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास में जो है उसमें से 10 और ले लिया जाएगा। ओके, तो हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहला प्रश्न, और ये प्रश्न है सबसे सिंपल प्रश्न, और ये है पूरा की पूरा 20 मार्क्स का। तो कंप्यूटर जी, इनके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया जाए। प्रभु यीशु के जन्म के समय यहूदिया का राजा कौन था? यस, ओके। तो सेंट मैथ्यू, आपने बजर दबाया है तो बताइए कि वहां का राजा कौन था? राजा हेरोद, राजा हेरोद। कौन है? राजा हेरोद, राजा हेरोदियस, हेरोद, हेरोदियस, हेरोद, 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 हेरोद द फर्स्ट, हेरोद द हेरोद फर्स्ट, हेरोद, राजा हेरोद, राजा हेरोद। डन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक बार मम्मी से डिस्कशन कर लो, मम्मी सही है कि गलत है? बंदूक की गोली निकल चुकी है, कुछ भी हो सकता है, अपने पास अभी कुछ भी नहीं है देने के लिए। ओके, कर ले डन। कंप्यूटर साहब, कंप्यूटर साहब भी बोल रहे हैं कि ये करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 20। ओके, तो हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और ये जो प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको एक फोटो दिखाई जाएगी, उस फोटो को देखकर आपको ये बताना है कि ये कौन सा पैरेबल है, कौन सा दृष्टांत है। ओके, जब आप अगर बजर दबाते हैं, आपको फोटो समझ में आती है, आप बजर दबाते हैं तो आपको मौका दिया जाएगा, और आप अगर वो पैरेबल सही बता देते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, और अगर आप गलत बोलते हैं तो माइनस 10 कर दिया जाएगा। लेकिन उसी के बाद में अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको एक मौका दिया जाएगा दूसरे प्रश्न को बोलने का। ओके, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ओके, ए में 10 पॉइंट्स, बी में 10 पॉइंट्स, ठीक है। और अगर बी को आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो पास कर सकते हैं, और अगर आपने पास नहीं बोला है, 30 सेकेंड्स अगर पार हो गए हैं तो आपके माइनस 10 वहां से भी हो जाएंगे। ओके, तो कंप्यूटर साहब दूसरा प्रश्न, ये चित्र किस दृष्टांत से संबंधित है वह हमें दिखाया जाए। यस, सेंट लूक ने पिक्चर को देखकर सबसे पहला बजर दबाया है। तो सेंट लूक, आप क्या कहना चाहते हैं, ये कौन सा दृष्टांत है? लेपर। कौन सा लेपर? ये यहाँ पे कितने सारे लोग दिख रहे हैं आपको? यस, बताइए। बहुत ही प्रमुख ये फोटो है। आपका समय चल रहा है। पास।
अभी आपने बजर दबाया है तो आंसर का पास नहीं हो सकता इसका, तो यह आपका गलत जवाब है। और दूसरा बजर जो दबाया था सेंट मैथ्यू ने दबाया था, आप बताइए कि ये कौन सा दृष्टांत है? धनी व्यक्ति और लाजरुस। धनी व्यक्ति और लाजरुस। धनी व्यक्ति दिख रहा है आपको? जी। लाजरुस भी दिख रहा है आपको? जी, बैठा है, बड़े बड़े फोड़े वाला दिख रहा है, वो लाजरुस है। जी। कंप्यूटर साहब, ये जो पिक्चर आपने बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, और ये आपका जवाब आपको लगता है सही है, तो कंप्यूटर साहब आपको देते हैं 10 points और आपके लेते हैं 10 points। लेकिन आपको अभी पैरेबल पता चल गया है, ओके, अमीर और लाजरुस का दृष्टांत है ये, तो अभी जो बेनिफिट जाएगा सबसे पहले इनको बेनिफिट जाएगा, ओके। तो आप ये जो दूसरा प्रश्न आने वाला है, अगर आपको नहीं आता है तो आप पास कर सकते हैं, और अगर आता है तो बोल सकते हैं, और अगर पास नहीं बोलेंगे तो -10, ओके। तो रेडी, इसी पिक्चर का दूसरा प्रश्न है, कौन से सुसमाचार से लिया गया है, उसका अध्याय क्या है, उसके वाक्यांश क्या है? पास। और इसका पास का श्रेय आपको जाता है, अगर आपको मालूम है तो आप बता दीजिए, नहीं तो पास कर सकते हैं। पास। सेंट लूक चैप्टर। सेंट लूक, यस सिस्टर, टाइम चल रहा है, 10 seconds है। सेंट लूक। समाप्त होता है, तो आप सबने पास किया है, लेकिन अटेम्प्ट संत मार्क ने किया है, तो कंप्यूटर साहब आप संत मार्क को क्या कहना चाहते हैं? ओके, तो कंप्यूटर साहब ने कहा है कि संत लूक सही है, और अध्याय आपने नहीं बताया है इसलिए आपको आधे पॉइंट्स दिए जाते हैं, और आपको मिलते हैं 5 points। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? मजा आ रहा है, डर लग रहा है? यस, डर के आगे जीत है। तो आर यू रेडी? अभी आपके सामने एक वीडियो दिखाया जाएगा, वो क्या सीन है, क्या बात चल रही है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप हमको बता सकते हैं। कंप्यूटर जी, इनके स्क्रीन पर वीडियो दिखाया जाए। तो सेंट लूक, आपने सबसे पहले बजर दबाया, आपने क्या देखा, आप बताएंगे? यीशु जेरस की बेटी को जिलाते हैं जी, एंड यीशु है, जेरस की बेटी है, जेरस के माता पिता हैं। जेरस के माता पिता, जेरस और उनकी वाइफ है और उनकी ओके, बेटी है। ओके, जेरस और उनकी वाइफ है, और क्या हो रहा है वहां पे? प्रभु क्या कह रहे हैं आपको? प्रभु उससे बोलते हैं, तलिता कुमी, तलिता कुमी, बेटी उठो। यस, बेटी उठो, बेटी उठो, बेटी उठो, तलिता कुम, बेटी उठो, तलिता कौन सी भाषा का है ये? प्रभु अरामी भाषा से प्रभु क्या कहते हैं? तलिता कुम, तलिता कुम, बेटी उठो, बेटी, बेटी उठो, लड़की उठ जाओ, लड़की उठ जाओ।
और ये पूरा की पूरा सही जवाब है। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स, आपको बेनिफिट भी मिलता है। अब आप हमें बता सकते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड भाग का, ये कौन से सुसमाचार पाठ से लिया गया है? सिर्फ सुसमाचार पाठ। टाइम अप, आपने पास भी नहीं बोला। आप कोशिश करते रहे लेकिन आपने पास नहीं बोला। आप अगर पास बोल देते तो आपके 10 पॉइंट्स में बचा सकता था, बट ये मेरे हाथ में नहीं है, हमारे कंप्यूटर साहब वेरी स्ट्रिक्ट है, आपके -10 होते हैं। तो हम चलते हैं सेंट मैथ्यू की तरफ। ये कौन से सुसमाचार पाठ से लिया गया है? सेंट मार्क। सेंट मार्क, तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। आई एम सो सॉरी, आप अगर पास बोल देते तो 10 मैं आपको पूरा देता, लेकिन आपने 10 कमाए और 10, सो सॉरी, वेरी गुड। ओके रेडी, अब आपने देख लिया, अब बारी है सुनने की, इस राउंड के आखिरी प्रश्न की, जो है ऑडियो राउंड। इसमें आपको आवाज सुनाई देगी और आपको ये पता करना है कि किसने किससे कहा। ठीक है, तो रेडी कंप्यूटर जी, रेडी? तो ये ऑडियो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहली बार। जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? ओ सेंट मैथ्यू, आपने पहले दबाया, आपको मालूम है। ओके करेक्ट आंसर, किसने किससे कहा? तो बताइए। फरीसियों ने यीशु से कहा। तो आपने कहा फरीसियों ने यीशु से कहा, और कंप्यूटर जी, फरीसियों ने यीशु से कहा, क्या आप सहमत हैं? और कंप्यूटर साहब बिल्कुल सहमत है आपके इस जवाब से, कंप्यूटर साहब खुश हुए। और इसी के लिए आपको एक और बेनिफिट दिया जाता है। बेनिफिट ये है कि अगर ये प्रश्न आपको आता है तो बताइए, वरना पास कर दीजिए, और अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो हम 10 पॉइंट्स काट लेंगे। तो दूसरा प्रश्न आपका इसी ऑडियो से है कि ये कौन सी गॉस्पल से लिया गया है और इसका अध्याय और वर्सेस क्या है? पास सिस्टर, आपने उनके बाद में दबाया था। सेंट जॉन। ओ सेंट जॉन, गॉस्पल रॉन्ग है। आप कहना चाहते हैं कि आप भी पास करना चाहते हैं? सेंट लूक। -10 हो जाएंगे, वैसे ही माइनस में ही चल रहा है फादर। और अगर प्लस हो गया तो ईश्वर की योजना पूर्ण हो, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और वो जवाब आपने सही दिया है, क्योंकि ये पास वाला प्रश्न था, तो इसलिए सिस्टर आपके -5 होते हैं और सेंट लूक आपको मिलते हैं +5। तो थैंक यू वेरी मच, और इसी के साथ में हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट होता है, और मैं आमंत्रित करता हूं स्टेफी मैम को कि वे आए और आप सभी के रिजल्ट्स बताएं। तो आइए हम सुनते हैं स्टेफी मैम को। थैंक यू फादर सेल्विन एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, मैं आ गई हूं राउंड 2 के समापन पर, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधा क्विज खत्म हो चुका है ऑलरेडी, एंड मुझे जो स्कोर शीट दिख रहा है उसके हिसाब से हाईएस्ट हाई है एंड लोएस्ट लो भी है। सो लेट मी टेल यू द स्कोर्स। मैथ्यू टीम, आपने बहुत ही उमदा प्रदर्शन दिखाते हुए इन राउंड 2, जिसकी वजह से आपको मिले हैं 50 पॉइंट्स, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू। नेक्स्ट वी हैव टीम मार्क, यू हैव गॉट अ फाइनल स्कोर ऑफ 0 पॉइंट्स। टीम
लूक आपके लिए भी सेम एंड योर फाइनल स्कोर इज 0 points आफ्टर राउंड 2। बट घबराने की कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास 2 rounds है टू स्कोर। बहुत मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, सोच समझ के समझदारी से खेलेंगे एंड यू कैन स्कोर द पॉइंट्स। सो ओवर टू यू फादर सेल्विन। तो आप लोगों ने आपके पॉइंट्स को देख लिया है, आप लोगों को आपके पॉइंट्स पता चल गए हैं। तो अभी हम एंटर करते हैं थर्ड राउंड में, जिसका नाम है रेफरेंस राउंड। इसके अंदर आपको बाइबल के वर्सेस दिए जाएंगे, आपको सिर्फ उसके अध्याय और गॉस्पल का नाम और चैप्टर का नाम और पद संख्या का नाम बताना है। और ये है पासिंग राउंड। ओके, इसमें आपको अगर नहीं आएगा तो ये पास हो जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर सही जवाब नहीं देते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे और आपसे कुछ भी नहीं ले लिए जाएंगे। रेडी? ओके, और ये अगर पास करके आपने उसका उत्तर दे दिया तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, और आपने भी अगर उत्तर नहीं दिया, अगर आपने उत्तर दे दिया तो 5 पॉइंट मिलेंगे पासिंग। ओके, कंप्यूटर साहब रेडी? तो आप में से कोई पहला प्रश्न लेना चाहता है, आप में से कोई भी? ओके, तो कोई नहीं लेना चाहता है, क्योंकि मैं देना चाहता हूं। तो मैं देना चाहता हूं सेंट मैथ्यू को। तो सुनिए कंप्यूटर साहब, इनके स्क्रीन पर प्रभु के वचन को दिखाया जाए। ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो, एक ही तो भला है, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। ये कौन से सुसमाचार पाठ से लिया गया है, इसका चैप्टर क्या है, इसकी पद संख्या क्या है? सेंट लूक। चैप्टर 9, वर्स आई एम नॉट श्योर। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, और आपका प्रश्न पास किया जाता है। सिस्टर आपको मालूम है, पास किया जाता है, आपको मालूम है? सेंट मैथ्यूज। सेंट मैथ्यू, टाइम अप। तो संत मती, जैसा आपने कहा, वो पार्शियल करेक्ट आंसर है, तो इसलिए पास वाला था। तो आपको पॉइंट दिए जाते हैं 2.5। तो करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर साहब शो कीजिए, संतमती अध्याय 19 पद संख्या 17। तो सेंट मार्क, आर यू रेडी? तो प्रभु के वचन को सेंट मार्क के स्क्रीन पर दिखाया जाए। वे ईसा को फंसाने की ताक में रहते थे, उन्होंने उनके पास गुप्तचर भेजे जिससे वे धर्मी होने का ढोंग रचकर ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं और उन्हें राजपाल के कब्जे और अधिकार में दे सके। ये कहां से लिया गया है? आपका समय चल रहा है। टाइम अप। पास सेंट लूक, आप क्या कहना चाहते हैं? सेंट लूक। आप सेंट लूक ही कह रहे हैं, और क्या कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं कहना चाहते हैं।
आप सेंट मैथ्यू, आप सेंट मैथ्यू कहना चाहते हैं, और सिस्टर आप सेंट मार्क कह देते, और मैं क्या कहूं? नहीं, मैं बाइबल कहूंगा। आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज, तो मैं बाइबल कहूंगा। तो मैं गलत नहीं हूं, आप लोग सब गलत है। ओके, सो पार्शियल आपका आंसर सही है। संत लूकस अध्याय 20 पर संख्या 20 में यह दिया गया है। संत लूक, आपको पॉइंट मिलते हैं 2.5। ओके, तो कंप्यूटर साहब तीसरा प्रश्न संत लूकस के स्क्रीन पर दिखाया जाए। न्याय पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा है। ये कहां से लिया गया है? सेंट मैथ्यू। सेंट मैथ्यू, इस बार लूक नहीं बोले। ओके, तो बिल्कुल गलत जवाब। पास आपके लिए आया है सेंट जॉन। सेंट जॉन, यस सिस्टर, सेंट जॉन अध्याय 16 पर संख्याएं 51 से लेकर 53 तक, ऐसा तो नहीं है? करेक्ट। तो सिस्टर और सर, और सर, सेंट लूक ने इसका जवाब नहीं दिया, आपने पार्शियल करेक्ट दिया। क्या था? सेंट जॉन। लेकिन सिस्टर अध्याय आप नहीं दे पाए, तो इसलिए सेंट मैथ्यू को मिलते हैं 2.5 मार्क्स। इसी के साथ में हमारा तीसरा राउंड समाप्त होता है, और मैं स्टेफी मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और तीसरे राउंड की समाप्ति के बाद में रिजल्ट्स बताएं। स्टेफी मैम। सो राउंड 3 के बाद भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है पॉइंट्स में, एंड आई विल स्टार्ट विथ टीम मैथ्यू। सिर्फ 2.5 पॉइंट्स का डिफरेंस है, एंड योर टोटल स्कोर आफ्टर राउंड 3 इज 52.5। सेंट मार्क सिस्टर्स, योर स्कोर इज स्टिल 0, एंड टीम लूक, आपने थोड़ी बढ़त दिखाई है ऑफ 5 पॉइंट्स, सो दैट इज अ गुड साइन, अ पॉजिटिव साइन, एंड यू हैव द नेक्स्ट राउंड लेफ्ट विथ यू। आप सबके पास अगला राउंड है जिसमें आप भारी भरकम 20 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पेशेंस के साथ, समझदारी के साथ, बिल्कुल भी जल्दी ना करते हुए अगर आप खेलेंगे, सो यू कैन ग्रैब दोज 20 पॉइंट्स। सो ओवर टू यू फादर सेल्विन, यू कैन कंटिन्यू द क्विज। थैंक यू स्टेफी मैम, और आप सभी को स्टेफी मैम ने बता दिया है कि आपके मार्क्स कहाँ हैं, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे, जो और अगले हैं वे। ये जो राउंड है ये आपके लिए बहुत ही प्रमुख राउंड है। हर टीम के लिए एक एक प्रश्न है, और हर प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, 50-50 भी दिए जाएंगे, लेकिन नियम ये है कि आपके स्क्रीन पर जैसे ही प्रश्न आएगा, अगर आप उस प्रश्न को देखते से ही आंसर दे देते हैं तो आपको 20 मार्क्स तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 20 मार्क्स के लिए जवाब दिया और वो गलत निकल गया, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपसे हम 20 ले लेंगे नेगेटिव मार्किंग। ओके, लेकिन अगर इससे बचना है तो 30 सेकंड के अंदर आपको तुरंत प्रश्नों को देखना है, उसी के अंदर आपको निर्णय करना है कि 20 पे जाऊं कि 10 पे जाऊं कि 5 पे जाऊं। ये 5 और 10 कैसे मिलेंगे,
अगर 20 आपको नहीं आता है तो आपके लिए ऑप्शन है, आप जैसे ही बोलेंगे ऑप्शंस तो हम आपके लिए चार ऑप्शंस दे देंगे। कितने ऑप्शंस? चार। उन चारों में से अगर आप एक सही उत्तर देते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10। 10 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हैं तो कितने काट दिए जाएंगे? 10। और अगर उन चारों में से भी आपको नहीं आता है फिर भी हमारे कंप्यूटर साहब इतने धनी हैं ₹5 बांटने में कि वो 5 पॉइंट भी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर चार में से आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आपके लिए 50-50 का भी ऑफर है। 50-50 ये आपके लिए खुला है। चार में से दो गलत निकाल दिए जाएंगे, एक सही और एक गलत आपको दे दिया जाएगा। ओके, 50-50 में। लेकिन अगर वहां पर भी आपने गलत दे दिया आंसर तो आपके 5 पॉइंट काट लिए जाएंगे। लेकिन हर बार सभी पार्टिसिपेंट्स ये गलती कर देते हैं कि पहले बार में 30 सेकंड के अंदर वो निर्णय नहीं ले पाते हैं और ऑप्शन और ये सब चीजों में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए डायरेक्ट माइनस कितने हो जाते हैं? 20। ओके, तो आपको निर्णय आपके स्क्रीन को देखकर ही लेना है। सबके लिए अलग अलग प्रश्न है, आपके लिए आपका प्रश्न है, आपके लिए आपका प्रश्न है, आपके लिए आपका प्रश्न है। ये पास नहीं होगा, ये सिर्फ आपसे ही रिलेटेड है। चलिए तो हम किससे शुरू करेंगे? कौन लेगा पहला प्रश्न? कोई? ओके, तो सेंट मैथ्यू के लिए पहला प्रश्न उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर। संत मती के सुसमाचार के अनुसार प्रभु येसु का रूपांतरण किस पर्वत पर हुआ था? ताबोर पर्वत पर। ओ, बंदूक की गोली तुरंत निकली है। ताबोर, डन। ताबोर पर्वत। और अगर ताबोर पर नहीं हुआ तो? और अगर सिनाई पर हुआ तो? कंप्यूटर साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि प्रभु येसु का रूपांतरण कहां हुआ था? तो कंप्यूटर साहब कह रहे हैं कि आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। बंदूक की गोली निकल गई थी लेकिन माइनस मार्किंग लेकर आई है, -20। तो करेक्ट आंसर यह है कि संत मती अध्याय 17 पद संख्या 1 में किसी भी पहाड़ का विवरण नहीं दिया गया है। ओके, सो इसलिए वहां पे ना ताबोर था ना सिनाई था। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन समझिए एंड हिट कीजिए। ओके, अभी जो दूसरा प्रश्न है वो है सेंट मार्क के लिए। और दूसरा प्रश्न यह है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, नबी एलियस के समय में कितने वर्ष तक पानी नहीं बरसा? 40। बंदूक की गोली फिर से निकली है और बहुत तेज निकली है, तुरंत निकली है, 40 वर्ष। चालीस बरस पानी नहीं गिरा तो फिर उगेगा क्या? लेकिन 40 बरस तो करके जो निकली गोली। कंप्यूटर साहब, इस गोली का क्या किया जाए? तो कंप्यूटर साहब कह रहे हैं 40 बरस रॉन्ग आंसर है। सही उत्तर है 3 वर्ष 6 महीने। तो सिस्टर आपके भी किए जाते हैं -20। आइए हम चलते हैं तीसरे टीम की तरफ, सेंट लूक। सेंट लूक के लिए उनका प्रश्न है उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बरसबास का दूसरा नाम क्या है?
जोसेफ एंड जस्टस। वाओ, यहाँ पे भी बंदूक की गोली निकली है। आपको क्या लगता है, आप सही हैं? आपको लगता है कि आप सही हैं, जोसेफ एंड जस्टस। एंड जस्टस, तो कंप्यूटर साहब आप क्या कहते हैं? कंप्यूटर साहब कह रहे हैं कि जो दोनों टीम ने करा वही तीसरा काम आपने भी करा। 20 मार्क्स के लिए आपने बंदूक की गोली चलाई, लेकिन इस बार बंदूक की गोली सही चली है और आपको मिलते हैं 20 मार्क्स। तो आइए इस उलट फेर को हम सुनने के लिए बेताब हैं कि ये क्या हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूं स्टेफी मैम को कि वे आए और हमारी टीम के पॉइंट्स बताएं। उसके पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्रभु के वचनों के प्रति जो जागरूकता आपने दिखाई है और इधर तक आप लोग आए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा इसमें भाग लेकर। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया और आप लोगों ने अपने कार्यों को छोड़कर यहाँ पर आए, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ स्टेफी मैम को कि वे आए और आगे की कार्रवाई बढ़ाएं। स्टेफी मैम। What a thrilling and exciting quiz that was. मुझे बहुत मजा आया क्विज देख के, एंड स्पेशली द लास्ट राउंड जिसमें बहुत नीचे 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 हुआ है, ज्यादा ऊपर नहीं देखने को मिला है। सो वी स्टार्ट विद टीम मैथ्यू, योर स्कोर आफ्टर द एंटायर क्विज इज 32.5 पॉइंट्स। एंड सिस्टर सेम फॉर यू, अगेन आपने जल्दी से आंसर दे दिया एंड यू लॉस्ट 20 points, so आपका score is minus 20 points. And we have at the end team Luke, आपका final score is 25 points. So congratulations to all the teams कि आप लोग यहाँ पर आए और आपने इतना अच्छा performance दिया and you gave your level best, so उनके लिए thank you कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं and आपने इतनी बखूबी आपका performance दिया, so thank you so much for that and God's blessings and wishes to all of you. And thank you once again to Father Selvin जिन्होंने ये quiz को इतनी बखूबी conduct किया और हम सबको engage करके रखा कि एक पल के लिए भी हमारी नज़र नहीं हटी हमारी TV screens पे से, so thank you Father Selvin for that. तो हमेशा की तरह मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एंड करना चाहूँगी एक बाइबल कोटेशन के साथ। Isaiah chapter 43 verse 1 says, the Lord who created you says, I have called you by name, you are mine. What a beautiful and lovely verse. इस प्लैनेट पे 8 बिलियन लोग रह रहे हैं, बट फिर भी आपका ईश्वर आपको आपके नाम से पुकारता है, वो इतना प्यार करता है आपको। एंड आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं, रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, फैमिलीज टूट रहे हैं, मैरिजेस टूट रहे हैं, बट ये सब के बावजूद प्रभु कहता है तुम मेरे हो, यू बिलोंग टू मी। सो जब भी आप निराश हो, डिसअपॉइंट हो, आपको लगता है आप अकेले हैं, आप चिंता ना करिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी ये जानकर कि आप प्रभु के हैं। कीप प्रेइंग, कीप शाइनिंग।